पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिला राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है साउथ गोवा जिला। साउथ गोवा ने 6 तालुकों वाले साउथ गोवा जिले को पुनर्वास सेवाएं शुरू करके विकलांग व्यक्तियों के जीवन में आत्मनिर्भरता और संतुष्टि लाने का श्रेय दिया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उनके नागरिक अधिकारों के संवर्धन हेतु लघु आवधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गोवा श्री एन डी अग्रवाल इज रिसीविंग द अवार्ड। The local level committee of Kollam in the last five years has emerged as a savior and a vigilant defender of the wealth and assets of the persons with disabilities covered under the National Trust Act 1999. Mr. P.G. Thomas, District Collector and District Magistrate Kollam is receiving the award. National award goes to Puducherry Corporation for Development of Women and Differently Abled Persons Limited, Puducherry. Out of 255 projects received from persons with disabilities, 254 projects were sanctioned by the corporation. As a result, it was successful in the utilization of 90% funds received from NHFDC with recovery of 69.4%, benefiting 235 persons with disability. Honorable Minister for Welfare, Mr. P. Rajavelu, Puducherry, is receiving the award. Sri M. Ramalingam is deaf since birth and has night blindness with tunnel vision. An employee of Indian Overseas Bank, Chennai, Ramalingam's painting style have been applauded globally. It has been awarded with the national and international honors and grants from Indian Council for Cultural Relations. Mr. M. Ramalingam. शील वयस्क विकलांग व्यक्ति महिला का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है प्रोफेसर सुश्री प्रेम सिंह ने, जो कि नई दिल्ली से हैं। प्रोफेसर सुश्री प्रेम सिंह दृष्टि बाधित हैं। हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सिंह में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मकता है। आप एक सफल लेखिका हैं। आपने कविता साहित्य तथा साहित्य के क्षेत्र में शोध कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप कई साहित्यिक सोसाइटियों की सदस्य हैं और आपने कई कवि सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है। प्रोफेसर सुश्री प्रेम सिंह, मास्टर अर्जुन केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में पढ़ रहे हैं। उभरते हुए कलाकार के रूप में आप ब्रश और आकर्षक रंगों के कैनवस पर अपना निजी संसार का सृजन करने को हमेशा आतुर रहते हैं और उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मास्टर अर्जुन विश्वनाथन। सुश्री संस्कृति अग्रवाल डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। आप मानसिक रूप से विकलांग हैं, लेकिन आपके दर्शक आपकी धुनों पर नाच उठते हैं। संस्कृति क्लासिकल कथक डांसर हैं, साथ ही आप वेस्टर्न डांस में भी माहिर हैं। रंग भरने की प्रतियोगिताओं में आपने योग्यता प्रमाण पत्र जीते हैं। आपने स्टेट लेवल के प्राइजेस जीते हैं। स्टेज पर कई बार परफॉर्म कर चुकी हैं और टीवी प्रोग्राम्स में भी आप आ चुकी हैं। सुश्री संस्कृति अग्रवाल, ब्रेल एक लिपि है जो कि दृष्टि बाधित व्यक्तियों को साक्षर, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाती है। अखिल भारतीय दृष्टि बाधार्थ परिसंघ ने वर्ष 2012 में 4 प्रिंटर्स की सहायता से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, गुजराती तथा कन्नड़ में 181 शीर्षक तैयार किए। हजारों दृष्टि बाधित पाठकों में ज्ञान, सूचना और मनोरंजन का प्रकाश फैलाया। श्री जे एल कॉल, सेक्रेटरी जनरल, इज रिसीविंग द अवार्ड।
भारत सरकार के राजस्व विभाग में प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वैश्विक सुलभ वेबसाइट तैयार की गई है। वेबसाइट की अन्य मूलभूत विशेषताएं हैं बड़ा हुआ टेक्स्ट साइज, स्क्रीन रीडर, टेबल हेडर्स, कंसिस्टेंट नेविगेशन तंत्र तथा कीबोर्ड सपोर्ट। और इनाम को हासिल कर रहे हैं मिस्टर एम एल मीना, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने गौतम बुद्ध नगर। सन 1989 में स्थापित ये संस्थान विद्यार्थियों के विविध वर्गों जो कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से सामान्य स्कूलों में नहीं जा सकते हैं की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करता है। NIOS द्वारा तैयार की गई वेबसाइट द्विभाषी है, अंग्रेजी और हिंदी में। ये उपयोगकर्ता अनुकूल है, विशेषकर स्क्रीन रीडिंग एक्सेस वाले विकलांग विद्यार्थियों के लिए है। वर्ष 2010 और 12 के बीच सभी श्रेणियों के 16,199 विकलांग व्यक्तियों ने इस वेबसाइट को देखा। डॉक्टर SS जेना चेयरमैन, इस अवार्ड को इन्होंने रिसीव किया। थैंक यू सो मच ऑनरेबल प्रेसिडेंट एट द डिग्निटरीज, सभी अवार्ड विनर्स को दिली मुबारकबाद। ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी जी, मिनिस्टर स्टेट श्री डी नेपोलियन जी, सेक्रेटरी श्रीमती स्तुति कक्कड़, सेक्रेटरी श्री अनिल गोस्वामी, डिग्निटरीज, मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक कोर, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑनरेबल राष्ट्रपति जी फॉर gracing this very important occasion. My warm welcome also to other dignitaries, awardees, their families coming from various states and union territories, and to the distinguished guests present on this occasion. Persons with disabilities are the most important of the target groups of my ministry, and we take great pleasure and pride in organizing this function to honor distinguished persons and institutions from the field of disability. We are also very fortunate that the President of India has been kind enough to give his valuable time for giving away our national awards on this day, for which we are most grateful to you, sir. Persons with disabilities often face barriers to participation in all aspects of society. Accessibility is a major priority in the disability sector. During the last 2 years, a sum of rupees 85 crores was released to various state governments and other bodies for making their premises, buildings accessible to persons with disabilities. For the first time, a sum of rupees 5 crores was sanctioned to the Archaeological Survey of India for making 5 World Heritage Sites and 25 other ticketed monuments maintained by it accessible. We propose to cover all World Heritage Sites and other ticketed monuments of ASI as rapidly as possible. A sum of about rupees 12 crores was also sanctioned to Jawaharlal Nehru University and Delhi University to make their buildings, hostels, guest houses and libraries accessible. I'm very happy to inform you that in May last year, keeping in view the growing importance of the issues of disabilities and to strengthen the mechanism of the government of persons with disabilities, the Government of India created a separate Department of Disability Affairs under the Ministry of Social Justice and Empowerment. This, we now hope to effectively address the issues confronting around 2.2 crore persons with disabilities in the country. The Persons with Disabilities Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act 1995, which is our main legislation concerning disability, is now nearly 17 years old. In view of the developments over the last so many years and the rights-based approach, the Ministry is working on a draft new legislation for the empowerment of persons with disabilities. This has been finalized by the Ministry
and has been circulated to the states and UTs for their comments. It will be our endeavor to introduce the bill in the Parliament at the earliest. My ministry has 7 national institutes for human resource development in the field of disability for providing rehabilitation services to persons with disabilities and research and development. The ministry has also established 8 composite regional centers as extension arms of the national institutes in various parts of the country for manpower development and providing rehabilitation services. In 2011, the ministry established an Indian Sign Language Research and Training Center for the Hearing Impaired as an autonomous center of Indira Gandhi Open University in Delhi on project basis for a period of 5 years for promoting the use and spread of Indian Sign Language through research, technical material, and curriculum development, outreach, and awareness programs. To promote physical, psychological, social, educational, and economic rehabilitation and development of persons with disabilities, our ministry is implementing various schemes such as assistance to disabled persons for purchase of fitting of aids, appliances, and Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme. NGOs are the most important partners in providing services to persons with disabilities, and we have been supporting them for the implementation of various schemes. Under the ADIP scheme, disabled persons are provided aids and appliances to promote their physical, social, and psychological rehabilitation. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, popularly known as ALIMCO,